दिख रहा है यहाँ तक पूरा नौ सर इतना ये इतना नहीं दिख इतना दिख रहा चलो उतना दिखना चाहिए ताकि टकला घुसित हो जाए अभी तुम्हारा क्या है विज्ञान इसको क्या बोलते हैं साइंस अब स्टार्ट होता है मेरा लेक्चर ठीक है उसमें से खड़े जाइए विज्ञान के बारे में आप जानते हैं व्हाट इज साइंस विज्ञान होता क्या है पहली बार ना थोड़ा सा प्रैक्टिस चलो ठीक है जहाँ ना समझ में आए बार बार पूछना कितने बार पूछोगे जब तक समझ में आ जाए ना अच्छे से पूछना बैठ जाओ तुम भी ठीक है जो बात करना सुनना है पूछना जरूर ठीक कल हम क्या पढ़ रहे थे सेल और थोड़ा सा रिवीजन कराना भी जरूरी है क्योंकि सेल को भी रिवीजन कराना जरूरी है 100% ठीक है देखो पहले नंबर सेल तुम्हारा होता क्या है मैं कल शॉर्ट डेफिनेशन लिखा था कि सेल तुम्हारा वो क्रिया है जो रासायनिक चीज को विद्युत में बदलता है जो रासायनिक क्रिया को किस में बदल दे रासायनिक क्रिया को विद्युत क्रिया में बदले विद्युत क्रिया में क्या करे क्रिया में बदले उसे क्या कहते हैं सेल क्या कहते हैं सेल फिर सुना क्या यानी जो केमिकल्स एनर्जी को यानी केमिकल्स एक्टिविटी को और आपको टोटल किसमें ट्रांसफर करे इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग हिंदी ध्यान देना ठीक है यानी रासायनिक क्रिया किसमें बदलता है विद्युत क्रिया में अब रासायनिक क्रिया तुम्हारा क्या है जैसे ये तुम्हारा सेल है ठीक है क्या है तुम्हारा सेल अब इसमें एक जिंक का क्या होता है राड होता है बताया था कभी ना इसको हम लोग हिंदी में छड़ बोलते हैं क्या बोलते हैं छड़ ए ऊपर प्लस नीचे क्या होता है होता ही नहीं होता है अगर ए तुम्हारा सेल है जो रेडियम लगता है किसमें लगता है रेडियम में ठीक है समय नहीं अगर ए तुम्हारा जिंक का कोई छड़ है ऊपर तुम्हारा प्लस है नीचे तुम्हारा माइनस है अब अगर आपसे अगर कोई पूछ ले कि क्यों ऊपर जो रेडियम सेल लगता है जानते हो जो रेडियम सेल लगता है सेल बाजा में लगता है ना तो तुम्हारा क्या होता है वही सेल है जिसके बारे में बता रहा हूँ कि वो रासायनिक क्रिया किसमें बदलता है विद्युत क्रिया अब कैसे बदलता है तुम जानते हो इसमें से एक प्लस का तार ले गए एक माइनस का तार ले गए शॉर्ट कराना तो आता है ना अगर तुम लोगों को जलाने नहीं आता तो शॉर्ट कराने तो आता होगा प्लस और माइनस को दोनों में आपस में टच करा दो जीवन सफल हो जाएगा तुम्हारा ठीक है समझ में नहीं आता सुनना जल जाओगे जो कि किसमें आता है डीसी में किसमें आएगा डीसी में इतना जल्दी मरोगे नहीं तरफ केस को मार लेंगे अभी ये मारेगा कि नहीं मारेगा भगवान जानता है देखिए जीव एक सबसे जीव जो होता है टेंगू जो तुम्हारा जीव होता है जीव एक ऐसी इम्यूनिटी है जो चेक करके बता सकता है कि लाइट है कि नहीं है और बाकी अपने शरीर का कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो क्या करे ये चीज़ का पता लगा सके करंट है कि नहीं है गलत करो क्या अभी मोबाइल की बैटरी में उतर जाए पावर देखो कैसे चाटते हैं उसको ऐसे तो यहाँ करंट मार रहा है नहीं मार रहा है कि नहीं मुझे नहीं मारता नहीं होता है इधर यहाँ तुम देखो एक्टिविटी करो नहीं तो वो तो मारेगा बैटरी नहीं मार रहा अच्छा चलो ठीक है सो तब तुम्हारी बैटरी चार्जिंग लेती है ठीक अब इसके बाद एक पूरा क्लियर हो गया यानी सिंपल सा बात है कि जो रासायनिक क्रिया को कम अब इसमें अगर तुम बल्ब लगा दोगे चलेगा नहीं बल्ब तो चलेगा ना अगर तुम्हारा बल्ब अगर जला तो अभी यह इलेक्ट्रिसिटी में क्या था इलेक्ट्रिसिटी अभी मैं सेल को फोड़ दूँ जो बोर्ड पर पॉलिशिंग होता है अब समझ रहा हो कि पॉलिशिंग करते समय उसका कलर कैसा होता है ब्लैक ब्लैक किस क्या होता है काला कैसा कलर होता है
काला होता है, ठीक है। तो काला अगर होगा तो क्या कहलाएगा, कार्बन, क्या कहलाएगा, कार्बन, क्योंकि कार्बन तो देखने में कैसा होता है, काला, ठीक है। और उसका जले हुए पदार्थ, ठीक है, और सड़े गले पदार्थ में कौन सी गैस पाई जाती है, CH4, क्या पाया जाता है, CH4, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैथेन, क्या बोलते हैं, मैथेन, CH4, क्या पाया जाता है, CH4। अगर ये तुम्हारा काला है तो तुम्हारा क्या है, आपका कार्बन क्या है, कार्बन है, सीधे बैठो, मार्ग तोड़ दिए, समझे नहीं, लटक के बैठे हो पीछे तुम, बड़ी मेहमान तुम, सीरियस बैठा तुम मेरे पास, समझे ना, बहुत बदमाश लगती हो तुम, एकदम सेटिस्फाइड पढ़ो, ऐसे रख के आगे पढ़ा जाता है, यही नहीं हमको करंट नहीं मारता है। एक बार इसको शॉर्ट सर्किट करके प्रैक्टिकल करा देंगे, बैठे बैठे रह जाओगे, आँख की नहीं डर पाओगे, ठीक है, समझ जाओ, ठीक है, इधर शॉर्ट सर्किट लग जाएगा तुम्हें, सुना रहे नहीं, एकदम अच्छी तरीके से सुना रहे। अब ये तुम्हारा क्या सेल है, इसमें जो कोयला होता है वो टेस्ट करने में बड़ा अजीब सा होता है, कभी कोयला खाया है, जो इसका अंदर का कोयला होता है वो बहुत अजीब सा होता है, ना तो उसमें खट्टा समझ में आएगा, ना तो उसमें नमकीन समझ में आएगा, ठीक है, और ना तो उसमें कड़वा समझ में आएगा, ठीक, ना उसमें एकदम पूरी तरीके से नॉन टेस्टलेस होता है, कोई स्वाद ही नहीं रहता, वाली वन केमिकल्स होता है, जीभ पर रखोगे तुम्हारे जीभ को 2 सेकंड के लिए चूरमा बना देगा, ठीक है, यानी पूरा आपका दिमाग खराब हो जाएगा एक बार जहाँ टेस्ट की उसको, तो केमिकल है, दवा जैसा लगेगा। मैं कल ही बताया था, मेडिकल से दवा लाओगे कहा तो बुढ़िया तुमको पीस के पिला दें, पियोगे खड़ा तो निकल जा रहे हो मनमानी, ठीक है, उसी को पीस करके घोल बना के गिलास में देने पीने के लिए पियोगे, छोटे छोटे बच्चों को पेस्ट बना कर क्यों पिलाया जाता है, एक तो निगलने की क्षमता कम होती है उनके पास, गोली को निगलने की क्षमता कम होती है बच्चों को, जब उसे पेस्ट करके पिलाते हैं तो वो जा करके ऑटोमेटिक रोग पर ही अट्रैक करता है, तुरंत पूरे शरीर में फैलता है। अभी तुम जान लो, और ऐसी दवा जो थोड़ा सा पॉइजन वाला है, साइंस की बात है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अब कोई बिल्कुल ट्राई ना करें बिल्कुल भी, जैसे पॉइजन, पॉइजन उसके होता है जहर, पॉइजन उसके होता है जहर। अब देखो जहर की जो गोली होती है, जो लोग बड़े बड़े लोग खा लेते हैं कुछ देर बाद रिएक्शन करता है, और जो तुम्हारा पेस्ट होता है, पेस्ट का मतलब होता है कि थोड़ा सा गीला होता है या तो चूर्ण जैसा अगर होगा, पाउडर जैसा, और उसको अगर कोई खा के तुरंत पानी पी लेता है तो उनको तुरंत ही रिएक्शन करता है, पहले नंबर जैसे ही वो खाए उठा के वहीं पटके, ठीक है ना, पूरी तरीके से जिसको तुरंता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चूहा वूहा जो खाते हैं तुरंत खाएंगे, लूंगी डांस करते हैं तुरंत लड़ जाएंगे, ठीक है, तुम्हारा नहीं आता, समझ में नहीं आता। अब आप अगर पूरी तरीके से अगर आप समझेंगे उसको तो आप समझ सकते हैं कि आप अगर पॉइजन को अगर तुम खाओगे, गोली रहेगा तो उसको आदमी खाता है पेट में जाता है, उसको गलने में टाइम लगता है, जितना ही गलेगा उतना रिएक्शन पहुँचाएगा, तो पीसा पीसा रहता है, जब जैसे मन खाया तुरंत खाया, पानी पिए तुरंत छलांग मार लिए, ठीक है, सुनना ही नहीं है। और पॉइजन से मरने वालों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है ज़रूर, लेकिन पूरी नानी मामा पापा सब याद आ जाता है पीने के लिए खाने के लिए। पेट में जलन होना इतना खतरनाक, आग फेंकेगा जितना तुम आग सेके नहीं हो ठंडी में, सुनना रहा नहीं है, पूरी तरीके से परेशान जाओगे तुम लोग, हाथ पकड़ो पूरी तरीके से, सुनना रहा है। वो है आपका शेर के अंदर पाए जाने वाला कालिक, कोई टेस्ट मत करना, पेवर जला रहे हो, तो हमारे नहीं यार, जब तक ताजा था, ताजा कब था, जब नया नया मार्केट से लेके आए थे, तब तो भाई टेस्ट करो तो थोड़ा सा खा लेने या पी लेने के बाद तो बचोगे, ठीक है। अब जैसे ही अब डिस्ट्रॉयड हो जाता है तो जहर बन जाता है, सुनवा रहे नहीं, आजकल के बियर शराब भी कई किस्मों के बन रहे हैं, पूछो कैसे, हाउ, पूछो साइंस की बात है ना, पूछो कैसे, कैसे, सुनवा रहे नहीं। अब इसमें है, अगर तुम्हारे पास 500 लीटर क्या है, 500 लीटर तुम्हारे पास क्या है, एक बड़ा सा कोई बॉक्स है,
और उसमें 500 लीटर क्या है तुम्हारा वाटर है, क्या है वाटर 500 लीटर वाटर, 100 लीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, 500 लीटर उसकी बात कर रहा हूँ। असूरती कैसे रुपए किलो मिलता है आप बताओ, कोई इसमें बताओ, 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, 150 रुपए किलो यही मिलता है सूरती, जो बुढ़ापे लोग क्या करते हैं खाते हैं, और आधार कार्ड के जब उस पर लगाते हैं अपना अंगूठा जिंदगी पकड़ता नहीं, पूछो क्यों, क्योंकि घिसते घिसते उसको भी खत्म कर देते हैं। सुन मारे नहीं यार, यानी पूरी तरीके से तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं साइंस टीचर हूँ, जहाँ मुझे साइंसिफिक समझ में आएगा मैं वहाँ बताऊँगा, अधूरा ज्ञान नहीं दूंगा, ठीक है। और जिसको ना समझ में आया था बोर्ड पर देखो तुम भी, ठीक है। अब इसके बाद अगर एक चीज तुम्हारा डिस्ट्रॉयड हो जाता है तो जहर बन जाता है पूरी तरीके से पॉइजन। अब सूरती को लोग क्या करेंगे, ले लेंगे 5 किलो ले लिए, 500 लीटर में तो 5 किलो बहुत है, सुन मारा 500 लीटर पानी में, 500 लीटर 500 किलो पानी में, किलो में कि लीटर में, ठीक है इसमें रिकॉर्डिंग।